ये तो भादर डॉन की कार है। मेरे गाड़ी को ठोक गया, इसको छोड़ूंगा नहीं। भाई साहब आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मेरा सखाराम कहाँ है? तुम्हारे साथ कोई और भी था? नहीं नहीं, मेरा स्कूटर काका, मेरा स्कूटर। तुम्हारे स्कूटर का नाम सखाराम है? हाँ काका, वो कहाँ है स्कूटर मेरा? उधर है, उधर। मेरी जान का क्या हाल कर दिया? अरे दवा भाई साहब, जरा प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज प्लीज। हाँ 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 संभाल के, संभाल के, संभाल के, संभाल के, संभाल। दवा ये काय झालं रे? ब्रेक पर टूटला। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसका भाई रुको रुको, गन मत निकाल भाई, पब्लिक है, प्रॉब्लम हो जाएगा। सकाराम सकाराम प्लीज रख दो गन। थैंक यू भाई साहब, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। ओह आपको तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। अरे ये तो मुझे इतनी सी करो चाहिए, चोट तो मेरे सखाराम को लगी है। ये देखिए क्या हालत बना दी सखाराम की मेरे। इसे छोड़ूंगा नहीं सखाराम। सत्यानाश हो तेरा। अरे बादल भाई की बैंड बजने वाली है तो स्कूटर वाले की? किसी भी बैंड बजे भाई, लफड़ा देखने मिल रहा है, एंजॉय कर। क्या रे, स्कूटर ठीक से चलाना नहीं आता? मुझे स्कूटर ठीक से चलाना आता है, ये बेचारे बच्चे की जान बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ है। अरे तो उड़ा देते ना बच्चे को। मेरी कार से टकराने की तेरी हिम्मत कैसे हुई बेवकूफ? ये क्या बोल रहे हैं आप? तो क्या है, अक्कल है क्या कुछ? हाँ बच्चे को उड़ा देते, अरे इंसानों के राक्षस। और बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तुम हो तुम। ये जाहिल गवार, इतनी तेजी से कोई गाड़ी चलाता क्या रास्ते के बीचों बीच? अरे ये आदमी फ्रांस से पंगा लेके क्यों मुसीबत को दावत दे रहा है? अगर तुम आराम से अपने लेन में गाड़ी चला रहे होते ना तो ये हादसा नहीं होता। देखिए देखिए क्या हालत कर दी मेरे सखाराम की, कितना नुकसान कर दिया। ये गप, जानते किससे बात कर रहे? बादल भाई है, बादल भाई। एक तो तूने उनकी जान से ज्यादा प्यारी कार को ठोक दिया और ऊपर से ऐसे बात कर रहा है इनसे। ये कार मुझे मेरे पिताजी ने दी थी, उनकी आखिरी निशानी, और तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी जान से प्यारी कार का तूने ये हाल कर दिया। अब तेरा इससे भी बुरा हाल होगा। ए, क्या बुरा हाल करोगे? हा? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, देखो। अरे मुझसे गलती हुई माना मैंने, लेकिन इस बच्चे को बचाने में गलती हुई है मेरे से। गलती तुम लोगों की है, तुम रैश ड्राइविंग कर रहे थे। देखो देखो मेरे सकरम की क्या हालत कर दी तुमने। ये स्कूटर मेरी बीवी ने मुझे गिफ्ट दिया था, मेरे दिल के बहुत करीब है स्कूटर। इसको ठीक करने में कम से कम 3-4 हजार का खर्चा होगा, वो कौन देगा? भाई जैसे आप अपनी कार को जान से ज्यादा प्यार करते हो ना, लगता है वैसे ये स्कूटर को भी जान से ज्यादा प्यार करता है। हाँ तो क्या हुआ, मुझसे ज्यादा प्यार तो नहीं करता होगा ना? अरे मेरे पिताजी ने दी हुई उनकी आखिरी निशानी थी ये कार, जिसे मैंने जान से ज्यादा प्यार से संभाल के रखा, और इसके स्कूटर की वजह से मेरी कार का ये हाल हो गया। बादल नाम है मेरा, ऐसे बरसूंगा कि बह जाओगे, और आज तो मैं बरसूंगा कि कीड़े कुछ कर, वरना ये भाई और उसके गुंडे कुछ भी कर सकते हैं। देखिए मैं अन्याय से डरने वाला नहीं हूँ, अंधे करने वाला, सहने वाला और देखने वाला सब इंसानियत के दुश्मन होते हैं। तो तू अकेला क्या कर लेगा? किसने बोला मैं अकेला हूँ? किसने बोला मैं अकेला हूँ? अरे ये जनता है ना मेरे साथ,
और जब जनता का साथ होता है ना तो ऐसे एक क्या दस बादल भी गरजेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बरोबर की ना काका? अरे बोला ना मत, अरे बोला 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 भाई, बरोबर की नहीं? खबरदार अगर किसी ने इनको हाथ भी लगाया तो। एक तो तुम्हारी गलती, ऊपर से बच्चे की जान बचाने वाले को तुम डांटते हो, भगा ना। उल्टा तुम्हें इनकी स्कूटर की नुकसानी का खर्चा देना चाहिए। नहीं, खर्चा देना पड़ेगा, खर्चा दो। हाँ, खर्चा देना होगा, देना होगा। तुम लोगों की इतनी हिम्मत? बादल भाई से ऊंची आवाज में बात करते हो? ए चमचे चुप बैठ, 4,000 रुपया खर्चे के दे वरना। ये वरना क्या रे? वरना क्या? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखिए देखिए देखिए, मुझे कोई खर्चा वर्चा नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। अब ये बुरा हादसा हुआ तो उसको भूल जाते हैं। अरे क्या भूल जाओ, इनको सबक सिखाएंगे तभी ये रोड पे गाड़ी सही से चलाएंगे और लोगों की जान बचेगी। हाँ। अरे पर कशाला था भाई, आप ऑर्डर दो, सबको सीधा कर देता हूँ। नहीं नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, चुप 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 हो जाए एकदम। ये पब्लिक है समझा, इनसे पंगा मत लो, अगर पंगा लिया तो लफड़ा हो जाएगा, पुलिस आ जाएगी, पुलिस केस होगा और ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी। और सोचो किसी ने मुझ पर हाथ उठाया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। एकदम चुपचाप। अरे भाई, ये आपस में क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? इसको सॉरी बोलकर खर्चा दे रहे हो कि नहीं? या फिर चलो दोस्तों, पत्थर से इसकी कार तोड़ देते हैं। गाड़ी नहीं, ए पत्थर 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 दे। मैं दे रहा हूँ ना, मैं दे रहा हूँ पैसा, पूरा दे रहा हूँ, पूरा दे रहा हूँ। नहीं मुझे नहीं चाहिए पैसा। नहीं नहीं नहीं, आप रखो। नहीं नहीं प्लीज, मुझे नहीं चाहिए। नहीं आप प्लीज, अरे प्लीज प्लीज, अरे दे दिया पैसा, दे दिया। अब पत्थर दे, पत्थर दे, पत्थर दे। पैसे दे दिए, अब सॉरी बोलो। लगता है ये ऐसे सॉरी नहीं बोलेगा। दोस्तों इसकी कार तोड़ दो पत्थर से। सॉरी सॉरी, सामने देख के बराबर बोल। बोला क्या बड़ा उत्साह है काका, बोल रहा ना सॉरी। तू सॉरी जाते जाते उसकी अकड़ कम नहीं हुई। अभी वो गया ना, जाने दो, भूल जाओ। और थैंक यू, आपने मेरी बहुत हेल्प की। थैंक यू भाई, सबको 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 थैंक यू, थैंक यू। भाई साहब एक बात बोलूं, अगर पब्लिक एक हो जाए ना तो ऐसे गुंडे तो तिनके की तरह हवा में उड़ जाए। हाँ करा है, करा है। फिर से एक बार थैंक यू। चलिए चलिए भाई साहब, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, आपको काफी चोट आई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ ना वहाँ पे डॉक्टर हाथी है, मैं उनको दिखा दूंगा। और बेटा आगे से पापा का हाथ नहीं छोड़ना, यहाँ पे गाड़ी आती जाती है ना बेटा। हाँ चलो, भाई साहब एक मिनट, आपको एक बात कहूँ, ये जो बादल भाई है ना ये कोई आम आदमी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डॉन है, डॉन। और जिस तरीके से ये आपको देख करके गुस्से में गया है ना, ये इसका बदला जरूर लेगा। आज जिंदगी में पहली बार बादल का अपमान हुआ उस स्कूटर वाले की वजह से। बादल की इज्जत नीलाम हुई है उस स्कूटर वाले की वजह से। आज तक बादल सब पर बरसता था, लेकिन आज
आज बादल पर ही बिजली गिर गई उस स्कूटर वाले की वजह से। मेरे पिताजी ने दी आखिरी निशानी, मेरे जान से प्यारी कार पर खरोच आई, ऊपर से उसे पैसे देने पड़े, सबके सामने इज्जत निकल गई उस स्कूटर वाले की वजह से। जब तक मैं उस स्कूटर वाले से बदला नहीं लूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हाँ भाई, उस स्कूटर वाले से बदला तो लेना ही है। भाई आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द उस स्कूटर वाले की पूरी कुंडली निकालकर आपके सामने रख दूंगा। छोड़ूंगा नहीं उसे। आज पिताजी की पुण्यतिथि है और आज ही पिताजी ने गिफ्ट दी हुई कार का ये हाल हो गया। अरे भाई आप टेंशन मत लो, वो अपना पकिया है ना, A1 कारीगर है, वो कार को पहले जैसा कर देगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कार को कुछ हुआ था। लेकिन उस स्कूटर वाले के साथ बहुत कुछ होगा। बादल नाम है मेरा, ऐसे बरसूंगा कि स्कूटर के साथ बह जाएगा। सखाराम, ये क्या हो रहा है आज तुम्हारे साथ? लगता है तुम्हारा आज दिन भारी है, अभी तो वापस गोकुला में जाना पड़ेगा। पता नहीं ये चालू होगा भी या नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है सखाराम, क्या बात है। इतना होने के बाद भी, इतनी चोट खाने के बाद भी तुम अपना कर्तव्य नहीं भूले। वाह सखाराम वाह, तुमने हार नहीं मानी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय सन, क्या बात है। चिंता मत करो, हम लोग आराम से जाएंगे। आ गए अब सगर, हम लोग पहुंच गए घर पे। हाँ बस थोड़ा सा और। नमस्ते बड़े भाई। हाँ नमस्ते बड़े भाई। ये क्या हो गया? अरे कुछ नहीं अब्दुल। अरे क्या हुआ, वो रास्ते में एक बच्चे को बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया थोड़ा सा। अच्छा। देखो ना मेरे सकरम का क्या हाल हो गया है। अरे भिड़े भाई, सकरम को छोड़ो, आपका हाल देखो क्या हो गया है। हाँ वो थोड़ी सी खरोच आई है। थोड़ी सी खरोच? खून निकल रहा है खून। हाथी भाई, हाथी भाई जल्दी से बाहर आइए, भिड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया। माधी भाभी जल्दी बाहर आइए। हाथी भाई, हाथी भाई, हाथी भाई जल्दी बाहर आइए, भिड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे अरे क्या हो गया, क्या हुआ अब्दुल? अरे बाप रे, हाथी भाई भिड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया। बाप रे, देखो कितना खून भर रहा है। आइए 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 जल्दी आइए, प्लीज आइए। देखिए माय गॉड, भिड़े भाई आपको और सखाराम को ये क्या हो गया? अरे अंजलि भाभी, बच्चे को बचाने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ भिड़े? मुझे कुछ नहीं हुआ है माधवी, मेरे से ज्यादा तो सखाराम को चोट आई है। देखो क्या हाल हो गया बेचारे का। मुझे क्या लगा लगा। अरे नहीं 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 भिड़े भाई, आपकी और सखाराम की चोट एकदम चौखी दिख रही है कि जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। हाथी भाई प्लीज भिड़े भाई को देखिए ना। हाँ, चलो भिड़े मास्टर क्लिनिक में चलो। चलो चलो हाथी भाई, आप टेंशन मत लीजिए, ये तो बहुत मामूली सी खरोच है। अरे सखाराम की हालत ज्यादा खराब है, देखिए ना उसका नाक भी फूट गया। मेरे भाई डोंट वरी, अपनी सोनी भाई है ना, वो आपके सखाराम को बिल्कुल ठीक कर देंगे। भिड़े बता, किसने तेरे सखाराम के साथ एक्सीडेंट किया? मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। वो उसका नाम था डॉन बादल भाई। क्या मुझे बस ऐसे एक विचित्र विचार आया, भिड़े के स्कूटर का और डॉन बादल की कार का एक्सीडेंट हो जाए तो। हे भगवान, अभी थोड़ी देर पहले मैं जो अशुभ बात कर रहा था वो सच हो गई, यानी मेरी काली जुबान। नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक संयोग है। अच्छा है, यहाँ किसी को पता नहीं। अभी थोड़ी देर पहले तो पोपट भाई डॉन बादल और उसके प्यारी प्यारी कार के बारे में बात कर रहे थे। अरे भाई अब्दुल, अभी डॉन बादल को छोड़, हाथी भाई आप खड़े क्या है? अरे भाई आप लोग की बातें खत्म हो तब तो मैं इलाज करूं। चलो भेड़े मास्टर तुम क्लिनिक चलो। हाँ हाँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ, क्या बहुत गंदा हो गया, कुर्ता वर्ता चेंज करके आता हूँ। हाँ, दो मिनट में आता हूँ, जल्दी आना। हाँ, जल्दी आना। अरे चलो चलो, मुझे तो लगता है आज का दिन ही खराब है,
भिड़े भाई और सखाराम को पनौती लग गई। हाँ। अरे आप लोग मानोगे नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने मेरी माँ के साथ बात की और मैं बहुत खुश थी। मैंने माँ को कहा कि माँ, टप्पू के पापा और भिड़े भाई के बीच में थोड़ी तो मैं हो गई थी, लेकिन बाद में सब अच्छा हो गया है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैंने माँ को ये भी कहा कि हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में कुछ भी हो, लेकिन आखिर में सब लोग एक हो जाते हैं। अब गोकुलधाम में आने शांति है। भाभी मैं तो कहती हूँ अब अशांति हो गई। हाँ। बेचारे भिड़े की दुनिया हिल गई। हाँ, डॉन बादल की कार के साथ एक्सीडेंट हो गया है। और ये कार तो डॉन बादल को जान से भी ज्यादा प्यारी है। हाश्टुवरी, डॉन बादल की कार को कुछ हुआ ना हो तो ही अच्छा है। अरे कुछ हुआ होगा तो भिड़े के लिए नई महा मुसीबत। तो डॉन बदला लेने के लिए पागल हो रहा होगा। अब तक उस स्कूटर वाले का पता नहीं चला। पता चल जाएगा भाई। भाई पता चल गया भाई, वो 420 नंबर का स्कूटर ना आत्माराम तुकाराम भिड़े का है और एड्रेस है गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली, गोरेगांव ईस्ट। अब आत्माराम देख मैं तेरी आत्मा कैसे चलाता। बादल नाम है मेरा, ऐसे बरसूंगा कि बह जाएगा। शक्ति हो गुलशन। जी भाई। जाओ और जाकर उस पब्लिक लीडर भिड़े को उठा लाओ और हाँ, अच्छी तरह से मरम्मत भी करनी उसकी। नहीं राणा, उसकी मरम्मत नहीं करनी है, उसे तड़पाना है, उसे रुलाना है। जैसे मेरी कार के बुरे हाल से मेरी जान जल रही है ना, वैसे ही उसकी जान जलानी है। उसके वाइफ ने गिफ्ट दिया हुआ स्कूटर उसे जान से प्यारा है ना, उस स्कूटर को उठा लो, किडनैप कर लो, जाओ। जी भाई। ए रुको, इधर आओ। उसके घर पर पहरा देना, लेकिन सावधानी से, कोई गड़बड़ ना हो। और जैसे ही वो अपने स्कूटर के साथ सोसाइटी के बाहर निकलेगा उसे उठा लो, जाओ। खड़े क्या हो, जाओ। हाँ हाँ भाई। देख फिरे, अब मैं तुझे कैसे तड़पाता हूं। मैं तुझे चैन से छीने नहीं दूंगा। दोस्तों, कोई खरगोश शेर पे हमला कर दे और शेर घायल हो जाए तो कितना गुस्सा होगा शेर। ठीक वैसे ही डॉन बादल इस वक्त गुस्सा है, क्योंकि डॉन बादल को अपनी कार से उतना ही प्यार है जितना भिड़े को अपने स्कूटर सखाराम से। और इस वक्त डॉन बादल की कार टकरा गई है भिड़े के स्कूटर सखाराम से, और इस वक्त डॉन की कार और उसका ईगो दोनों ही घायल हो चुके हैं। अब ये घायल शेर और घायल डॉन का बदला दोनों ही बड़े खतरनाक होते हैं। अब क्या करेगा डॉन बादल? उसने स्कूटर सखाराम को उठाने का आदेश तो दे दिया है, लेकिन स्कूटर किडनैप करके क्या करेगा डॉन बादल? इसके चक्कर तो लगाएगा नहीं, इस पे बैठ के घूमेगा तो नहीं, तो क्या करने वाला है वो सखाराम के साथ और क्या करने वाला है वो भिड़े के साथ? कहते हैं दुश्मनी किसी के साथ भी अच्छी नहीं होती और डॉन के साथ दुश्मनी तो बेहद ही खराब होती है, लेकिन डॉन बादल ने भिड़े को अपना दुश्मन मान लिया है। तो देखना यह है कि क्या करता है भिड़े के साथ और खासतौर पर सखाराम के साथ। कुछ भी करे वो स्कूटर के साथ या भिड़े के साथ, आप तो हंसिएगा जब आप देखिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।